धनुष। इन्हें तमिल फिल्म असुरन में इनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया है। इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For the versatility in carrying out the role of a young rebel and later as a sobered father figure in the film. दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं श्री मनोज बाजपेयी। इन्हें हिंदी फिल्म भोसले में उनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें रजत कमल। For the powerful portrayal of a brain cancer patient and sacrificing his life to uphold a woman's dignity against evil. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हिंदी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवं हिंदी फिल्म पंगा के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत जी को रजत कमल दिया जाता है। For the outstanding performance as the legendary झांसी की रानी in the film मणिकर्णिका and the depiction of a middle-aged mother coming back to sports facing all odds in the film पंगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए फिल्म छिछोरे को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता नाडियाडवाल ग्रैंड सन्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड फॉक्सस्टार स्टूडियोज। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री साजिद नाडियाडवाला। और फिल्म छिछोरे के निर्देशक श्री नितेश तिवारी को भी रजत कमल। Brilliantly showcases that just winning or losing is not the crux of life, but earnest and sincere efforts to reach the goal are. इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पटकथा की श्रेणी में दो लेखकों को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म द ताशकंद फाइल्स के संवाद लेखक श्री विवेक रंजन अग्निहोत्री writing apt dialogues for convincing arguments of members of the committee that was formed to find out the facts about the mysterious death of Sri Lal Bahadur Shastri. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की श्रेणी में हिंदी फिल्म केसरी के गायक श्री बी प्राक को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For a very soulful recitation of a patriotic song. अभिनेत्री के लिए हिंदी फिल्म ताशकंद फाइल्स की अभिनेत्री श्रीमती पल्लवी जोशी को रजत कमल। फॉर हर सटल बट स्टबर्न परफॉर्मेंस एज अ डिसेबल्ड हिस्टोरियन इन अ कंट्रोवर्शियल ज्यूरी प्रोसेस।